हैंर्रिक एप्सन वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी ऑफ मार्च इन यानी हैंड्रिक एप्सन जी का जन्म बीस मार्च को हुआ था और कौन से ईयर में हुआ था ये पूछा जा रहा है तो इनका जन्म दोस्तों एटीन हंड्रेड ट्वेंटी एट में हुआ था ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है ये इनका जन्म का ईयर है एंड हाउ मैनी एक्ट्स आदे इन अ डोल्स हाउस प्ले यानी हैंड्रिक एप्सन जी का जो प्ले है अ डॉल्स हाउस इस प्ले में कितने एक्ट्स हैं तो दोस्तों ये थ्री एक्ट्स प्ले है इसमें थ्री एक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही है मीन्स बी ऑप्शन इज़ करेक्ट एंड नेम द कंट्री फ्रॉम विच ऑप्सन बिलोंग्स टू बिलोंग्स इज़ यानी जो हमारे हैंड्री कप्सन जी हैं दोस्तों वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं उस कंट्री का नाम बताना है तो नॉर्वे कंट्री से बिलोंग करते हैं ऑप्शन बी इज राइट हैंड्रिक जोहान एप्सन ये दोस्तों दोस्तोंप्सन जी का कंप्लीट नेम है याद रखिएगा मीन्स फुल नेम जो है हेंड्रिक एप्सन जी का हेंड्रिक जोहान एप्सन है यहाँ पर लिखा है कि हेंड्रिक जोहान एपसन इज़ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ ऑफ यानी हैंप्सन जी हैं दोस्तों वो ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं कौन से सेंचुरी के तो दोस्तों ये हमारे नाइनटीन सेंचुरी के बहुत ही ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं एंड इज़ हैंनरी कप्सन यानी हैंनरी कप्सन जीत कौन है तो दोस्तों ये मॉडर्न ड्रामेटिस्ट हैं ऑप्शन मीन्स ही वॉज मॉडर्न ड्रामेटिस्ट ऑप्शन बी यहाँ पर सही है एंड इन विच ईयर हैंड्री कैप्सन डाइड यानी हैंड्री कैप्सन जी की डेथ दोस्तों कौन से ईयर में हुई थी तो दोस्तों उनकी डेथ हुई थी नाइनटीन जीरो सिक्स में ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर लिखा है कि वट वॉज द फुल नेम ऑफ हैंड्री कैप्सन इनका फुल नेम क्या है दोस्तों तो हैंड्री कैप्सन जी का फुल नेम है हैंड्रिक जोहानप्सन जैसा कि आपने ऊपर अभी देखा एंड नेक्स्ट जो हमारा एम सी क्यू है वो दोस्तों ये है इसमें लिखा है कि रिप्सन मोस्ट फेमस प्ले अ डॉल्स हाउस इज अ प्ले इन हाउ मैनी एक्ट्स दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि ये जो उनका फेमस प्ले है जी का अ डॉल्स हाउस ये कितने मतलब कितने एक्ट्स का है थ्री एक्ट्स का प्ले है ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले अ डोल्स हाउस कौन इस प्ले का डॉल्स हाउस जो प्ले है इस प्ले का कौन प्रोटैगनिस्ट है तो नौरा है दोस्तों ऑप्शन डी वाला करेक्ट है एंड आगे लिखा है कि व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ नौराज हजबेंड नॉरवॉल्ट दोस्तों जो नौरा के हस्बैंड रहते हैं जो पति रहते हैं उनका क्या प्रोफेशन रहता है तो दोस्तों वो बैंक में काम करते होते हैं ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही है बैंकर एंड आगे लिखा है कि व्हाट्स द नेम वॉट इज़ द नेम ऑफ नौराज फ्रेंड हु कम्स टू विजिट हर यानी जो नोरा के फ्रेंड हैं उनका नाम क्या होता है जो कि नोरा से मिलने आती हैं तो दोस्तों नोरा से मिलने उनकी जो फ्रेंड है वो मिसेज़ क्रिस्टीन आ, लिंड मिलने आती हैं ऑप्शन यहाँ पर डी वाला सही है मिसिज़ क्रिस्टीन लिंड ऑप्शन एटीन जो है दोस्तों वो ये है कि विच इज़ द लास्ट प्ले रिटन बाय हेनरी कैप्सन यानी हैंनरी कैप्सन जी के द्वारा लिखा गया कौन सा लास्ट प्ले है तो इनमें से दोस्तों ये वाला लास्ट प्ले है व्हेन वी डेड अ वीकन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट यहाँ पर दोस्तों जितने भी ब्लैक पेन से लिखे गए हैं वो सभी इसके आंसर्स हैं यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि वेयर इज द सेटिंग ऑफ द प्ले अ डॉल्स हाउस यानी ये जो प्ले है अ डॉल्स हाउस इस प्ले की सेटिंग कहाँ पर रखी गई है तो इस प्ले की सेटिंग दोस्तों सिरका जो कि एक टाउन है अ नॉर्वेजियन टाउन है ऑप्शन डी यहाँ पर सही है दोस्तों एंड नेक्स्ट uh, लिखा है यहाँ पर कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय हेनरी कैप्सन यानी इनमें से कौन सा वर्क हेनरी uh, किप्सन जी के द्वारा नहीं लिखा गया है मतलब हेनरी जी कप्सन जी का कौन सा इनमें से वर्क नहीं है तो इनमें से ये वाला वर्क नहीं है दोस्तों द एंटरटेनर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट द एंटरटेनर द एंटरटेनर नेक्स्ट हमारा जो एम क्यू है दोस्तों वो ये है हाउ मैनी चिल्ड्रन डू टॉर वर्ल्ड एंड नौरा हैव यानी नौरा और जो टॉल वर, वर्ल टोल वर्ल्ड है डोल्स हाउस प्ले में दोस्तों इन दोनों के कितने मतलब बच्चे होते हैं तो थ्री बच्चे हैं ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड इन आगे लिखा है कि इन विच ईयर अ डोल्स हाउस वॉज पब्लिश ये जो प्ले है इनका कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था दोस्तों हैं जी का डॉल्स हाउस ये दोस्तों एटीन हंड्रेड सेवेंटी नाइन में पब्लिश हुआ था तो ऑप्शन यहाँ पर सी इस सही है एंड हेमन हेलम कॉल्स नौरा बाय फॉलोइंग नेम यानी जो उनके हस्बैंड हैं वो नौरा को किस नाम से दोस्तों पुकारते हैं तो वो दोस्तों माय लिटिल साई लार्क करके उन्हें पुकारते हैं कहकर पुकारते हैं माय लिटिल साई लार्क नेक्स्ट वॉट वॉज द नेम ऑफ हैंड एप्सनस वाइफ यानी हैं एप्सन जी की वाइफ का नाम दोस्तों क्या है तो उनके वाइफ का नाम था दोस्तों सुजाना एप्सन सुजाना ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हैंडरिक एप्सन डाइड एट द एज ऑफ यानी इनकी दोस्तों डेथ कितने एज में हो गई थी तो दोस्तों वो सेवेंटी एट ईयर्स के थे तब उनकी डेथ हुई थी ऑप्शन यहाँ पर सी सही है तो दोस्तों ये थे कुछ एम सी क्यूज़ हैंडरी एप्सन जी की लाइफ एंड वर्क्स पर तो दोस्तों आई होप मैं सारे आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा